हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किनांटी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ भूगोल से रिलेटेड बहुत ही कुछ क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आने वाले पेपर में। जैसे कि CISF का नोटिफिकेशन आ चुका है, इसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और आने वाले जितने भी सारे पेपर हैं उन सभी में ये भूगोल के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। तो प्लीज़ वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं वो लाइक करें और चैनल की नाइन्टीज को सब्सक्राइब करिए। आइए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थ यात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। ठीक है, अगला है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। तो आंसर हो जाएगा सिंधु सतलुज ब्रह्मपुत्र। नंबर तीन है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो कुल अक्षांशों की संख्या है 180। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं देशांतर रेखा। आगे चलते हैं कि स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है, यानी कि स्थल मंडल का क्या तात्पर्य है। तो पृथ्वी की बाह्य पपड़ी, जो बाह्य पपड़ी होती है उसे हम लोग स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। नंबर सात है कि खैबर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हैं। तो दो देशों का नाम है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जो कि खैबर दर्रे से जुड़ा है। आठवां प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नौ, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो भारत और चीन के मध्य व्यापार कराने के लिए दर्रा खोला गया है वह नाथुला दर्रा है, जो कि कहाँ है, हिमालय श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि उत्तर से फरी दक्षिण से उत्तर की ओर जो प्रवाहित होती है उस नदी का नाम है बेतवा नदी। आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 कि पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता होती है। तो पृथ्वी का नीचे भाग होता है तो वहाँ पर निकल और लोहे की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। प्रश्न नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी डेल्टा नहीं बनाती है। तो आंसर हो जाएगा महानदी। क्वेश्चन नंबर 14 कि बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा डेनारिफ आल्प्स। ठीक है, ये बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत है। प्रश्न नंबर 15 है कि कोला प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में स्थित है। तो कोला प्रायद्वीप जो है वह रूस में स्थित है। प्रश्न नंबर 16 कि छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा रांची। प्रश्न नंबर 17 कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है, एर्नाकुलम। प्रश्न नंबर 18 विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र निम्न में से कौन सा है, यानी जो हिंदू राष्ट्र है वो हमारा नेपाल है। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 कि पृथ्वी की अनुमानित आयु निम्न में से किस वर्ष है। तो यह 400 करोड़ वर्ष है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 20 है कि 2002 में भारत की सबसे अधिक जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, सबसे पहली जो विद्युत परियोजना है वह शिव समुद्रम में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, ये थे 20 क्वेश्चन जो कि परीक्षा में आए हुए हैं और पूछा भी गया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखता है। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसमें यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 20 क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।